बिजनेस जो है लॉस के लिए नहीं किया जाता, लेकिन हमें लॉस होता है क्योंकि हमारे कुछ ना कुछ गलत डिसीजन की वजह से। नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपके सामने डिस्कशन करने जा रहा हूँ वो उन लोगों के लिए है जो लोग गांव में हैं, जिनके पास में पूंजी बहुत कम है और वो पूंजी जो है वो एक ऐसा बिजनेस में लगाना चाहते हैं कि जिसमें रिस्क कम हो। क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि लॉस खाना तो कोई भी नहीं चाहता, चाहे आप हो या मैं हूँ, कोई भी बिजनेस में लॉस खाना नहीं चाहता। लेकिन होता क्या है कि कहीं ना कहीं गलत बिजनेस हम लोग चयन कर लेते हैं और इसके कारण हम लोग को लॉस आता है। तो अगर आपके पास में पूंजी कम है, अगर आप चाहते हैं कि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें लेकिन आपके पास आप लॉस खाना नहीं चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। क्योंकि आज जो मैं बिजनेस की बात कर रहा हूं वो बिजनेस को करने के बाद जो है आपको लॉस आने की संभावना मतलब नहीं के बराबर रहेगी। क्यों नहीं रहेगी इसका भी कारण मैं इस वीडियो में उस बिजनेस के साथ में आपको बताता रहूंगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिए, एक एक चीजों को मैं बारीकी से बताऊंगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आप ये बिजनेस जो अपने घर, अपने गांव में, अपने घर से भी चालू कर सकते हैं, बहुत कम पूंजी में भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों कि बिजनेस जो है लॉस के लिए नहीं किया जाता, लेकिन हमें लॉस होता है क्योंकि हमारे कुछ ना कुछ गलत डिसीजन की वजह से। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं बिजनेस के विषय में, तीन बिजनेस जो कि हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही कम पूंजी में, जिसमें लॉस की संभावना कम हो। सबसे पहला जो बिजनेस है वो है आपका हार्डवेयर का बिजनेस। आपने हार्डवेयर का मतलब क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपके घर में कील होती है, उसके बाद हथौड़ा होता है, पेंट होता है, रंग होता है, बहुत सारी चीजें होती है जो आपके घर में इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आप हार्डवेयर का दुकान भी खोलते हैं तो आप कम से कम 50,000 भी पूंजी है तो 50,000 की छोटी पूंजी से आप अपने छोटे से दुकान लेके भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप अपने घर से भी हार्डवेयर का सामान बेचना चालू कर सकते हैं तो भी आप जो है आपको कोई ज़्यादा पूंजी की जरूरत नहीं, 50,000 से 1,00,000 के बीच में आप इतनी पूंजी से स्टार्ट कर सकते हैं। इस बिजनेस के फायदे क्या है इसको भी थोड़ा सा आप जान लेते हैं कि इस बिजनेस में जो भी सामान आप रखते हैं, सपोज कीजिए आपने कील रखा है, वो कील कभी खराब होने वाला नहीं है, आपको भी पता है, लॉन्ग लास्टिंग है। आमतौर पे होता क्या है कि जो हम लोग मान लीजिए जैसे दवाई दुकान होता है या खाने उने का सामान हम लोग बनाते हैं जैसे होटल वोटल में, तो उसकी एक्सपायरी डेट होती है। अगर वो सामान एक्सपायर हो जाता है तो मतलब आप उसको बेच नहीं सकते मार्केट में, जिसके कारण पूरे का पूरा वो लॉस में चला जाता है। लेकिन हार्डवेयर के जो सामान होते हैं, लोहा लंकर, ये सब खराब नहीं होते हैं, इनकी जो वैलिडिटी होती है बहुत लंबे समय तक होती है। मतलब आज नहीं बिका तो कल बिका, कल नहीं बिका तो 5 साल बाद भी बिकेगा, लेकिन बिकेगा, मतलब वो सामान खराब नहीं होगा, एक्सपायर नहीं होगा। और इसमें जो है इसको रख रखाव की जो समस्या होती है इसमें मेंटेनेंस बहुत कम होता है। अभी मान लीजिए कि आपने लोहा लंकर का जो सामान खरीदा है उसको बहुत ज़्यादा शोरूम में सजाने की भी जरूरत नहीं है। लोगों को मालूम होना चाहिए कि हार्डवेयर का दुकान है तो यहाँ पास ये सामान मिल जाएगा, आपको ऐसा शोरूम मेंटेन करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर आप एक होटल भी खोलते, खाने का सामान की बात कर रहा हूँ, तो आगे शोरूम में हम लोग कुछ ना कुछ खाने का सामान रखते हैं, ताजिया बना, बासी बना, लेकिन हार्डवेयर के सामान में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। लोगों को इतना मालूम होना चाहिए कि यहाँ हार्डवेयर दुकान है, इनके यहाँ मिलता है, तो वो आके आपके यहाँ से लेंगे। तो ये बिजनेस जो है बहुत ही मतलब फायदेमंद वाला बिजनेस है। अब इसमें जो सामान आपका रखा हुआ है उसके भाव जो है दिन का दिन बढ़ेंगे, लेकिन कम नहीं होंगे। नाउ दोस्तों, अब हम लोग सेकेंड बिजनेस आइडिया के विषय में बात करेंगे। ये भी बिजनेस आइडिया लगभग हार्डवेयर का है, लेकिन ये बिजनेस थोड़ा सा अलग है और इसमें भी जो एक्सपायरी है एक्सपायरी नहीं है। तो ये बिजनेस आइडिया है प्लास्टिक वेयर बिजनेस। प्लास्टिक वेयर जैसा कि अभी आप देख सकते हैं, चश्मा का डिब्बा है, ये ऐसा मोबाइल रखने का स्टैंड है। आप आज के समय में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां पास आप प्लास्टिक का सामान नहीं देखते होंगे। आज ये बाल्टी भी प्लास्टिक की आने लगी है, टेबल कुर्सी कोई चीज़ ऐसा ही नहीं है। अब तो मैं तो ये बोलूँगा कि प्लास्टिक का खाना भी आने लगा है।
तो ये तो मजाक कर रहा हूँ, ऐसे हो भी रहा है ठीक है। तो यहाँ पास मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जो प्लास्टिक वेयर है, जिसे आप प्लास्टिक वेयर में प्लास्टिक के चेयर हो गए, टेबल हो गए, इसके अलावा आप प्लास्टिक के बहुत छोटे मोटे खिलौने हो गए, जो बच्चों बच्चे आज के खेलते हैं, काफी सस्ते में भी ऐसे खिलौने मिलते हैं। देखिए जैसे ये भी सामान क्या है, ये भी प्लास्टिक का है, आप देख सकते हैं, मोबाइल रखने का 10 से 15 रुपया दाम है, लेकिन बहुत यूजफुल चीज है। तो ये प्लास्टिक का जो सामान है, अगर आप उसको भी उसके भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो आपको जो है फायदा ये होगा कि प्लास्टिक का सामान रखने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेंटेनेंस की आवश्यकता नहीं होती है। इसके सामान जो होते हैं एक्सपायर नहीं होते हैं, और ये मतलब बहुत कम कीमत पे अवेलेबल होते हैं। आपको पता होगा प्लास्टिक की जो सामान है बहुत कम कीमत पे अवेलेबल होते हैं, छोटे से बड़ा सामान। और आजकल लोग क्या है कि इन चीजों की जो खपत है, मतलब कि प्लास्टिक के सामानों की खपत भी बहुत ज्यादा हो रही है, क्योंकि मतलब बहुत अच्छा है, इसका रिलायबल होती है, हल्के होते हैं, दाम में कम होते हैं, मजबूत होते हैं, सब तरह की खूबी जो है प्लास्टिक के सामान में मिलती है। तो प्लास्टिक के सामान को बेचने का भी जो बिजनेस है आप स्टार्ट कर सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, बहुत ही कम पूंजी में स्टार्ट कर सकते हैं। आपने आजकल साइकिल में भी देखा होगा, लोग साइकिल में प्लास्टिक के बाल्टी हुआ, टब हुआ, ये सब ले लेके घूमते हैं मार्केट में, बहुत जगह लोग खुले तौर पे ऐसे प्लास्टिक के बकेट और मग हो गए सब लेके बेचते हुए आपको दिखाई दे देंगे। ये भी बिजनेस बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, कोई भी इसमें एक्सपायरी की आपको गुंजाइश नहीं है, और जल्दी से जल्दी माल बिकने वाला ये बिजनेस है। तो ये सेकंड बिजनेस आइडिया भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही कम पूंजी में। आप 10,000 रुपये भी है, 5,000 रुपये भी अगर आपके पास में है, 2,000 रुपये भी है, तो आप 4 बाल्टी, 8-10 बाल्टी लेके बेच सकते हैं, मार्केट में निकल सकते हैं। गांव हो, देहात हो, गली हो, नुक्कड़ हो, शहर हो, दुकान हो, कहीं भी आप इसको बेचने के लिए आपको लोग मिल जाएंगे, खरीदने के लिए लोग मिल जाएंगे। तो अब हम लोग आते हैं तीसरा बिजनेस आइडिया। तीसरा बिजनेस आइडिया है आपके घर में पेंटिंग का। आपने देखा होगा कोई भी बंदा अपने मकान को खूबसूरत बनाना चाहता है, और इसके लिए वो काफी पैसे खर्च करता है, चाहे वो आपके मकान में आपको वॉल पुट्टी करना हो, चाहे पेंट लगाना हो, किसी भी तरह के काम, किसी भी तरह की जो सुंदरता से हो। और आजकल भी क्या है कि पेंटिंग में लोग क्या है कि अलग अलग शेडेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग डिजाइनिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अगर आप जो है पेंट का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो भी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। इसमें आपको कुछ बातें ध्यान में रखनी होगी। पहली बात क्या है कि इसमें कुछ पूंजी लगेगी, ₹1,00,000 से भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 10-20 हजार से थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि 10-20 हजार में उतना माल आपके पास में नहीं आएगा। आपके पास में किसी कंपनी के साथ में आपको कंसल्ट करना होगा, क्योंकि कंपनी क्या कहती है, आपको क्रेडिट में आपके दुकान देख के आपको सामान दे देती है, बाद में आप उस सामान को बेचते रहिए और उस कंपनी को पैसे चुकाते रहिए और नया माल बनाते रहिए। इस बिजनेस में अगर आपको खुद से पेंटिंग करने आती है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर खुद से नहीं आती है तो जो लोग अच्छे पेंट करते हैं, जो मतलब मजदूर पेंटिंग में से रिलेटेड है पेंटिंग के काम से, तो आप उनको हायर कर सकते हैं, उनके साथ में एक अच्छा कॉन्टेक्ट आप बना सकते हैं, ताकि जब भी उनको पेंट करने का कहीं से भी ऑर्डर मिले तो वो आपके पास में आए। इसके बदले में आपको उन लोगों को जो काम करते हैं पेंटिंग का, उसको आप कमीशन दे सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो लोग क्या कहते हैं कि जहां भी उनको ऑर्डर मिलता है वो पेंट खरीदने आप ही के पास आते हैं, बाद में आप उनको कमीशन दे सकते हैं। इस बिजनेस में भी, पेंट वाले बिजनेस में भी, कोई भी एक्सपायरी का झमेला नहीं होता है। आपका माल जो है, आपका माल बिकता भी अच्छा है, और बिकता भी है मतलब बल्क में बिकता है, मतलब आधा लीटर 1 लीटर नहीं, कहीं भी अगर मकान में पेंटिंग होगी तो अच्छे बल्क में ही बिकेंगे। तो दोस्तों ये कुछ ये तीन बिजनेस आइडिया थे जो आप बहुत ही कम पूंजी में स्टार्ट कर सकते हैं। अगर हार्डवेयर का बिजनेस आप 5-10-20 हजार में स्टार्ट कर सकते हैं, जो प्लास्टिक का बिजनेस है वो 2-3 हजार में भी स्टार्ट कर सकते हैं, और पेंट का बिजनेस के लिए थोड़ा सा 50,000 से 1,00,000 की पूंजी लगेगी। तीनों बिजनेस में कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती है, लॉन्ग लास्टिंग होती है, इनके दाम बढ़ेंगे लेकिन कम नहीं होंगे। आप एक समोसा आज अभी तल के आप रखते हैं समोसा, तो आज वो खाने लायक होता है लेकिन कल वो खाने लायक नहीं होता है। अगर मान लीजिए आप कपड़े का बिजनेस करते हैं, तो कपड़ा भी 1 साल 2 साल बाद उसकी वीक हो जाती है। अगर चमड़े के जूता
अब बेचते हैं, तो आपने देखा होगा कि चमड़े के जूते भी डेट के साथ में एक्सपायर होने लगते हैं, तो इस सब बिजनेस में तो नुकसान होता है। लेकिन मैंने जो बिजनेस आइडिया बताया है उसमें एक्सपायरी डेट नहीं होती, सबसे प्लस पॉइंट यही है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो बिजनेस आइडिया अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, और भी ऐसे बिजनेस आइडिया के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने कमेंट में सवाल भेजिए, और अगर आपको बिजनेस के लिए पेड हेल्प चाहिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।